गिल वेलफेयर सोसाइटी पिंड गिल नकोदर वालों स्वर्गीय माता चन्नन कौर गिल पत्नी स्वर्गीय नाजर सिंह गिल की याद में शाहकोट के नज़दीकी पिंड बिल्ली बड़ैच विखे करोड़ों रुपए की लागत नाल श्री गुरु हर राय बिरध आश्रम बनवाया गया, जिसका उद्घाटन वातावरण प्रेमी पद्म श्री संत बलवीर सिंह सीचेवाल ने पत्थर तो परदा हटा के किया। इस मौके उन्हां नाल हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिए विधायक हलका शाहकोट, जथेदार गुर प्रताप सिंह वडाला विधायक हलका नकोदर, बचित्र सिंह कोहाड़ हलका इंचार्ज श्रोमणी अकाली दल शाहकोट आदि मौजूद सन। इस दौरान संत सीचेवाल ने माता चन्नन कौर गिल पार्क का उद्घाटन भी किया, बिरध आश्रम विच बूटे भी लगाए। इस मौके समागम दौरान परमात्मा का ओट आसरा लैंदे श्री सुखमी साहब जी के पाठ के भोग पाए गए। उपरंत संबोधन करदे संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि अज के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, जिस कारण उन्होंने बेघर होना पैंदा है, जिन्हां की संभाल लई बिरध आश्रम बना के बहुत नेक कार्ज किया गया। इस मौके बाबा गुरमेज सिंह ते राजगिल यूके सरप्रस गिल वेलफेयर सोसायटी ने भी संबोधित किया। अज खुशी की गल शाबाश देना चाहते हैं कि यह जरा गिल परिवार आ जेडे अगे गऊशाला भी तो होर थां भी बड़ा सेवा का कार्य करते हैं, इन्होंने बिरध आश्रम की सारी सेवा की ड्यूटी लई है। तो अज बड़े दुख इस गल का कि जेडे माँ बाप आ वो अपने बच्चों उन्होंने बच्चे जेडे आ बिरध माँ बाप को नहीं संभाल रहे, वो रुल रहे आ सड़कों पर रुल रहे आ समाज में रुल रहे, उन्होंने कोई देख रेख नहीं करता। तो अजय ये जड़ा है उन्होंने वास्ते एक बन्ने वो पोता जेड़े अपने माँ बाप नू छड़ रहे हैं, तो दूसरे बन्ने वो माँ बाप के पोता जेड़े अपने माँ बाप की माता की याद के विच ये बिरध आश्रम आ के जिथे होर भी सताए हुए उस तरह के माँ बाप इत्थे आण के शरण लै सकन, तो उन्हों का अखीरला जीवन जेड़ा हैगा वो सही तरीके नाल बतीत हो सके। मैसेज यही है भी सानू बजुर्गों अपने वड्यां नू अपने घरां विच संभालना चाहिए, किसी समय दे विच असी जानवरां नू पंछियां नू भी अपने परिवार का हिस्सा समझते सी, पर किहड़ा युग आ गया कि असी अपने माँ बाप नू भी रस्तियां ते जिहड़ा हैगा छड़ रहे हां, वो सानू सरवण पुत बनना चाहिए, माँ बाप दे आग्याकार होना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए है, माँ बापा जिहड़ा हैगा इस तरह रोलना नहीं चाहिए। वाहिगुरू जी, असीं बेनती करांगे भी कुछ साल पहला तुसीं वेख रहे सीगे साडे कई परिवार जां इक बजुर्ग विचार इत्थे आए आ वो नसन कहिंदे कि बाबा जी नूं कमरा दिओ, साडा घर च सानू कोई सांभ संभाल नहीं करता, असीं रोटी पानी दिंदा, असीं बड़े आतरे हाँ, जिन्हें बच्चे नूं पालिया वह बच्चे साडा सांभ संभाल नहीं करदे, तो अं क्या भी चलो कमरे की कोई घाट नहीं, महाराज कृपा करनी कोई यहाँ आप बनावे इतने बिरध आश्रम भी चलो तुम अपने परिवार रल मिल के रवो, अपने बच्चों समझाओ जो कहो कि बाबा जी साढ़े चार पुत्र आ, असी साढ़े चार पुत्र आं जमीन जायदाद देती आ, तो साढ़े पुत्र कहें वारी वार सारे घर रोटी खा, साडा उदों मन च आया ही चार पाँच सौ पहले अं बेनती की सच्चे पातशाह कृपा करेंगे गुरु साहब जी, तो जरूर असं कोई इतने बिरध आश्रम जी कोई अस्पताल बनावे। चलो फिर महाराज ने महार कृपा की, परिवार मिलिया जाके घर बेनती की भी साढ़े मन की इच्छा है, ये परिवार ने सू हामी भरी भी इंग्लैंड जाके सलाह करा, सलाह करके तुम्हें फोन करा, और अठ नौ महीने बाद फिर फोन आया कि बाबा जी थोड़ा उद्यम जरा असं बहुत सलाने तो तुम उद्यम असि पैसा जिन लगता असं लावे सारा सारा पैसा नहीं लावे, पैसा कितने मंगे वास्ते जे सू सेवा लाई आ साढ़े घर आज धनवाद करते हैं, तुम बना लो जिन्ना कुछ चाहते एक बार सारा कुछ दसो कुछ जो जो चाहिए बना लो। सो इस हिसाब ना जो असं उन्होंने कहा सू कमरे बना के सब बना के सूँ सपुरद किया, उस परिवार का गिल परिवार बहुत धनवाद करते हैं, तो सच्चे पातशाह जी कृपा करने चलाने वास्ते सच्चे पातशाह जी कृपा कर होर अगे माचे पातशाह बधाओ ताकि डिस्पेंसरी चले, किसी के टेस्ट हो गरीब के एक्सरा मशीन लावे, सो डेड बॉडी वास्ते बनावे, सो ये साडा अगे हैगा वा करन दा विचार। देखो जी हुण हाले अहीं अज उद्घाटन किया, हुण असीं बाकी संगत नूं सेवा लावांगे, किसी को कहो एक्सरे मशीन लाओ, किसी को लैबोरेटरी लिया के लाओ, सो इस तरह हाई हौली हौली गुरु कृपा के नाल, क्योंकि गुरु घर का कम ऐसा है किसी मीठा हो तो कम मुश्किल कोई नहीं, जे सब एडी महान कृपा की बनिया तो अगे भी होर दानी हो गए जे सहयोग करे समझो कि गरीब को दवाई मिलेगी और किसी इलाज होगा, कोई बंद रोटी पानी मिलेगा, जल पानी मिलेगा, चाह मिलेगा, सब कुछ इतने मतलब उन्होंने मुहैया करावे। मैं ये कहना चाहता जी एक गलों खुशी आ ये गुरु के घर के सामने बन रहा है, तो इतने कोई भी बजुर्ग आऊगा वो बहुत चंगी तरह राखी डॉक्टर सारा कुछ वो सेवा होगी, पर गम इस गल का है धक्का दे के कट दे है, ये बहुत माड़ी गल है। पहली तो गल कोई भी वो अपने घर रहना चाहता उन्होंने रोटी एक बार मिल जाए वो तभी
आपके घर रहना चाहता, वो आपके पोते पोतियां रहना चाहता है। तो जिहड़ा अजक सियाने बजुर्ग न सारे नहीं, आई थिंक अबाउट 30% धक्का दे के बाहर कढ़ देंगे, बजुर्ग सफ़र करते बहुत माड़ी गल आ। एक कल नू उन्हां नाल भी यह गल होगी, जे अज वो गोज राउंड कम्स राउंड। सो और बच्चे आ ये कहना भी गुड भी चीज चंगी भी है, माड़ी गल भी है, सानू इत्थे तक सोच साड़ी अपनाउणी पै गई है। साढ़े तो यही सोच है जी, चलो जी कि गरीब कोई तंग ना होनू रोटी मिले, उन्हू रूफ मिले, उन्हू बैड मिले सौन, तो दो दम टाइम की रोटी मिले, वो राखी होर कोई बच्च नहीं। कमेटी चाबियां देती आ, तो कमेटी इस तो रन करेगी, तो वो वेरी बहुत चंगे बंदे गुड इंसान है, वो चंगी तरह रन करे, तो असी निगाह जरूर रखेंगे, कोई इन्हों दिक्कत आएगी कल नू असी खड़े होएंगे। हाँ जी अमेरिकन आर्मी लई काम करदे आ, मिडल ईस्ट दे विच, जमेक अमेरिका विच साडी मेन जिहड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम उधरों है। तो असी जिहड़ी गिल फाउंडेशन साडी है, यूके की कंपनी है, वो गिल वेलफेयर सोसाइटी साडी जिहड़ी इत्थे है पिंड दे साडे मैंबर है खास, तो असी सपोर्ट कल्ले कर रहे हैं, होर किसी की सपोर्ट नहीं है। ते सर इह जिहड़ा बृध आश्रम तुसीं पंजाब च करवाया हैगा, हाँ की इह इदां दे जिहड़े बृध आश्रम हैगे आ बाहर कंट्रियां च वी हैगे आ? जेडे बार असी उधर कह दीदा ओल्ड एज होम, वह गौरमेंट दे सपोर्ट की हरेक, वह गौरमेंट प्राइवेट है, प्राइवेट होंगे है, पर असी ओल्ड पीपल होम कह दीदा आ, पर गौरमेंट उन्होंने पे कर दी आ टू लुक आफ्टर पीपल। इधर गौरमेंट अपन पता पे कर दी नहीं है ना, सो इधर जरा सारी रिस्पोंसिबिलिटी गुरुद्वारे से आ जाएगी, पर उत्थे है या उत्थे गौरमेंट पे करती है, मंथली फी पे करती है टू लुक आउट एज पेंशन करके, उन्होंने पेंशन होंगे पेंशन फंड लुक आउट होंगी। शाहकोट तो आजाद सचदेवा की रिपोर्ट, वधेरे खबरां लई तुसी देखते रहो अजीत वैब टीवी। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।